बुशरा, मेरी बच्ची को होश आ गया। जफर अहमद को बेल हो गई, इस हवाले से आपकी क्या तासुरात है, क्या कहेंगे? आज हम बहुत खुश हैं। सच का बोल बाला हुआ है और एक मजलूम को इंसाफ मिला है। ये केस पाकिस्तान का रुख बदल देगा। अब वक्त आ गया है कि 15-20 औरतों की वजह से हम बार बार शरीफ लोगों को कोर्ट में घसीटना बंद कर दें। आप देख रहे हैं मेरे क्लाइंट को कैसे बेदर्दी से पुलिस ने इनको मारा, ये कहां का इंसाफ है? दूसरा, मैं आप सबसे एक ही इल्तजा करना चाहता हूँ, अपनी बच्चियों को चादर और चार दीवारी का तकद्दस समझाएं। वो घर से निकलती ही क्यों है, किसी महरम के साथ निकला करें। ये अब खत्म होना पड़ेगा, आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? इफ्तिखार साहब, आपको लगता है आप केस ये जीतेंगे? हम ये केस जीत चुके हैं। I'm sorry. तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? अफसोस तो इस बात का है कि ये सब जानते हैं ना कि फजर मर गई है, फिर भी ऐसे बोल रहे हैं उसके लिए? फजर के लिए? मेरी वो झूठा मुजरिम मजलूम बन गया है, और मेरी बहन मुजरिम, इनको पता है वो मर गई है, वो मुजरिम, और वो वकील भूखे भेड़िए की तरह नोच रहा था अम्मी को। वो देख रहा था तकलीफ हो रही है, नोच रहा था। ये अगली तारीख पे छूट जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें बदनाम कर, ये अगली तारीख पे छूट जाएगा। तुम जानती हो हम किस हद तक जा चुके हैं, इससे आगे भी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम हिम्मत ना हारो। मौजज़े इसी दुनिया में होते हैं। पानी पी लो नूर, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं।